भोपाल में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद अब नए नियम के तहत दुकानें खुलेगी। अब सभी दुकानों पर अलग अलग 1, 2, 3 नंबर अंकित किए जाएंगे। इन नंबरों के हिसाब से दिन तय किए गए हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बुधवार को धारा 144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नंबर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए हैं। भोपाल से थाहिर खान की रिपोर्ट। Yes. भोपाल में जो केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अंतर्गत दुकानों को खोला गया है। अब चूंकि दुकानें खुली हैं तो बहुत सारी जगह भीड़ सी हो रही है और इसके लिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो दुकान में लोग आते हैं एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोग अंदर ना आएं, लोग मास्क पहन के ही अंदर आएं। जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं या जो दुकान में बैठे हुए लोग हैं वो भी बिना मास्क के बिल्कुल भी ना रहें, बिना मास्क के कोई किसी से बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें। ये जवाबदारी दुकानदार की होगी। दुकान को सैनिटाइज़ करना, क्लीन रखना, लोग आते हैं तो हैंड सैनिटाइज़ करवाना, ये जवाबदारी भी उनकी रहेगी। साथ में ये बहुत आवश्यक है कि जैसा हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के प्रकरण बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम सजग रहेंगे तो ये नहीं बढ़ेंगे। हमारी सजगता सिर्फ इस बात की है कि हम मास्क लगा के ही निकले, हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। भीड़ है तो वहाँ पे कुछ समय बाद चले जाएं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित करें कि जहाँ पे भी हम लोग जाएं फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखें और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रोटोकॉल को हम बिल्कुल भी ना भूलें। हमने भोपाल में भीड़ ना हो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग दिनों में शॉप को खोलने का एक रोस्टर बनाया हुआ है। अब उसके साथ हमने एक एडिशनल यह चीज़ करी है कि दुकानों पे नंबर रहेंगे 1, 2, 3। चूंकि 33% दुकानें अलाउ हैं तो एक दिन में एक खुलेगी, फिर दो दिन हफ्ते में एक नंबर खुलेगा, दो दिन हफ्ते में दूसरा नंबर खुलेगा और तीसरा नंबर शेष दो दिनों में खुलेगा और एक दिन ऑफ रहेगा। इस व्यवस्था से हम लोग यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।